नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आज हल्द्वानी में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 30 महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र और खेल के क्षेत्र में जिले का नाम रोशन करने वाली महिलाएं शामिल हैं। कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री रेखा कुमारी ने शिरकत की। इस दौरान जिले की सैकड़ों महिला कार्यकर्ता भी मौजूद रही। वही महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री रेखा कुमारी ने सभी महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाली महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ताकि उनको और प्रेरणा के साथ ही प्रोत्साहन भी मिल सके। रेखा कुमारी ने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए देश में कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। मैं डॉक्टर ऐश्वर्या कांगपाल, हमारे चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटाबाग से हूँ। और आज जो ये सुषमा स्वराज अवार्ड्स मिल रहे हैं, इसके लिए तो मैं बहुत ही खुशी जाहिर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक मोटिवेशन देने का होता है। क्योंकि इससे क्या होता है, आगे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी अच्छा काम करें और एक समाज के लिए एक पॉजिटिव हो रहता है, वाइब्स आते हैं कि हमें अच्छे से अच्छा काम करना चाहिए। तो ये एक मोटिवेशन है, तो इसलिए आज मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। इस बार में मैंने 4 बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं गेबुआ के, जो रामनगर साइड में पड़ता है, वहाँ पे 4 बच्चे शिक्षा के लिए मैंने अडॉप्ट कर रखे हैं। क्योंकि वो ऐसा था कि वो लड़कियाँ इतनी गरीब परिवार से थी कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ रही थी। तो इस वजह से जब हमें पता चला, वहाँ एक सोशल वर्कर है मीना बिष्ट जी, तो उनसे जब हमारा कॉन्टैक्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि ऐसे उनकी पढ़ाई छूट रही है। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, बात हुई, तो उनके घर जाके देखा, वाकई में बहुत ही गरीबी है वहाँ पर। तो उनसे जाके जब बात हुई तो उनकी, फिर मैंने सोचा कि ऐसे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, इस वजह से कोई बच्चे ऐसे पढ़ाई से छूटने नहीं चाहिए। इस वजह से मैंने उन्हें आर्थिक रूप से, मैंने कहा कि शिक्षा 12वीं तक का तो अभी मैं करती हूँ पूरा, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। अगर वो, मैंने इनको ये बोला कि अगर अच्छे से अच्छी पढ़ाई कीजिए और अपनी पूरी मेहनत कीजिए, 100% दीजिए, फिर देखिए आगे हम और मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे ही अगर जो सक्षम है लोग, वो अगर 2-2 बच्चों को भी ऐसे गोद कर लें, तो मुझे नहीं लगता हमारे देश में कोई गरीब रहेगा या फिर गरीबी की वजह से पढ़ाई किसी की छूटेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यहाँ पे सुषमा अवार्ड कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया है महिला मोर्चा की ओर से। जो आयोजन है, हमारे जिला अध्यक्ष अलका जीना जी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये काम हो रहा है। तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती भानती श्रीनिवासन जी का ये निर्देश था कि पूरे प्रदेश में और पूरे देश भर में ये कार्यक्रम चलाए जाएँ, और जो महिलाएँ अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही हैं, सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं, उनको सुषमा स्वराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। तो उसी की कड़ी में आज हम यहाँ भी प्रोग्राम करवा रहे हैं हल्द्वानी के अंदर, और यहाँ पर आज 35 से 40 महिलाएँ ऐसी हैं जो अपने अच्छे अच्छे काम कर रही हैं अपने 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 क्षेत्र में, उनको सम्मानित किया जाएगा सुषमा स्वराज पुरस्कार से। मैं सर्वप्रथम तो मीडिया बंधुओं का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने राष्ट्र नेतृत्व का कि आज उन्होंने ये शुरुआत करी है सुषमा स्वराज अवार्ड्स की। ये पूरे देश भर में चल रहा है, और हमारे प्रदेश में हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमती आशा नौटियाल जी द्वारा हमको निर्देशानुसार किया गया है कि 19 जिलों में हम इसको करें। और हम लोगों का मोटिव यही है कि जो समाज में काम कर रही हैं महिलाएं, ग्रास रूट लेवल से काम कर रही हैं, उनको एक रिकॉग्निशन दें। होता यह है कि हमारी पहाड़ की बहनें जो है बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है। और यही हमारी राज्य सरकार और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की भी यही चिंता रहती है कि महिलाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करें। तो इसलिए ये सुषमा स्वराज अवार्ड पूरे प्रदेश भर में किया जा रहा है। मैं नेहा शर्मा हूँ, प्रदेश मीडिया प्रभारी हूँ महिला मोर्चा। तो ये थी हल्द्वानी से हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी की खास रिपोर्ट। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।